गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर आपको क्लास की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपकी क्लास जो है वो आठ ही बजे होगी एक्चुअली थोड़ा सा भुने सर के घर में माहौल कुछ और है ना छोटा सा बच्चा है तो कभी कभी उसको देखने की वजह से ना उनका टाइम जो है वो साढ़े सात आज उन्होंने कर लिया था है ना तो आइडियली उनका टाइम सात से आठ ही रहेगा तो आज उनकी क्लास जो है ना वो आठ बजे साढ़े आठ तक हो रही थी इसलिए मैंने अपनी क्लास जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई आप लोग टेंशन नहीं लो क्लास आपकी आठ बजे ही होगी एट ए एम ही होगी है ना तो इसके लिए आपको मुझे बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अच्छा, से हालास सेकेंड का थर्टी सेकेंड के आसपास होगा तो जब भी कोई जीके की इंफॉर्मेशन होगी या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अपडेट हो जाएगी उसी छोटे से सेक्शन में उसके अलावा हर दिन आपके

जीके की क्लास के अंदर जहाँ पे मैं बहुत ही शानदार तरीके से ना आपको कुछ जीके करा रही हूँ और इसको आगे की क्लासेस में यानी कि टेन अक्टूबर के बाद ये क्लास और भी खास और स्पेशल यहाँ पे होने वाली है

ंगडम जब करते हैं ना तो अपने आप ही चीजें थोड़ी सी इलाबोरेट हो जाती हैं क्लास ट्वेंटी फोर पे जाइए वहां पे आपको क्लासेस और बैच सारे नजर आ जाएंगे प्लांट किंगडम की क्लास आपकी दो दिन होगी यानी कि आज और कल भी होगी है ना दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा अब फटाफट पड़ मुझे आप के आंसर दो आर डिवाइडेड डैश ठीक है पौधों को आप आइडियली कितने भागों में विभाजित करते हो जल्दी से बता दो प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम विटेकर की जो क्लासिफिकेशन थी विटेकर की क्लासिफिकेशन 1969 में जो आई थी उसी क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं उसी में से प्लांट किंगडम जो है वो आपके कौन से नंबर पे थे चौथे नंबर पे प्लांट्स को रखा गया था ठीक है और प्लांट्स को बाद में इलेबोरेट किया गया इलेबरेट करने का मतलब है कि बेंथम और हुकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दो साइंटिस्ट हैं बेंथम और हुकर इन दोनों के द्वारा प्लांट्स को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में आप याद रखिए पांच पार्ट्स में बेंथम और हुकर को कितने बेंथम और हुकर ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया तो आप फाइव पार्ट्स करके याद रखिये पांच पार्ट्स जिसमें से आपका एलगी हुआ ये आ, प, आ, क्या लिखेंगे सबसे पहले मुनैरा ये बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना तो जैसे ये वाली जो पांच कैटेगरीज है उसमें ये पहला मुनैरा फिर आपका प्रोटेस्टा फिर पंगई फिर प्लांट्स और फिर पांचवा जो है वो एनिमेलिया तो यहाँ पे एलगी याद रखिए ब्रायो याद रखिए टेरिडो याद रखिए जिम्नो याद रखिए और एनजीओ इन पांच कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या होगा आपका फाइव कैटेगरीज और ये आपके कौन कौन से हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एंजियोस्पर्म थैलोफाइटा में एलगी फंगस दोनों आते हैं लेकिन जब हम प्लांट्स बोलते हैं तो खाली एलगी ही प्लांट्स होते हैं फंगस यानी कि कवक पौधे नहीं कहे जाते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता ठीक है उनमें क्लोरोफिल जो है, वो मौजूद नहीं होता। न्यूट्रिशनल मोड ऑफ प्लांट इन किंगडम प्लांटे इज पादप जगत में पौधों के पोषण की प्रणाली जो है वो क्या कहलाती है देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो कि विटेकर की क्लासिफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट बेस भी था आधार भी था कि इस आधार पे जो है ना वो आप डिवाइड करने वाले हो तो न्यूट्रिशनल मोड की बात करें पोषण प्रणाली की बात करें तो आपका पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्या होते हैं का मतलब हुआ कि स्वपोषी होते हैं क्या होते हैं स्वपोषी स्वापोषी मतलब स्वा मतलब खुद को और पोषी मतलब पोषण देना जो ऑर्गेनिज्म खुद को जो है ना वो अपने पोषण दे रहे होते हैं मतलब देखो हम अपने आप को खुद ही भोजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तब आप क्या बोलोगे उसको

द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांट ऑर्गेनिज्म इज़ मेड पादप जगत जीवों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है अच्छा आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो पेपर है उसको देने वाला है चौदह तारीख और पंद्रह तारीख को अभी अक्टूबर में आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक पेपर है है ना तो ये पेपर जो है ना उससे रिलेटेड या यूपी से रिलेटेड सौ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हंड्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके कराने वाली हूँ यहाँ पे सैटरडे संडे तो आप में से जो भी बच्चा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहा है वो जरूर से ना इस क्लास को देख लेना सैटरडे यानी कि कल की क्लास और संडे इन दो क्लास में आपकी इन दो दिन में दो क्लासेस हो जाएंगी फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन और साथ में यूपी की पूरी जानकारी के साथ है ना यूपी की पूरी जानकारी के साथ कोई दे रहा है पेपर यहाँ पे यूपी पी आ, अच्छा आप लोग राजस्थान का ही देते हो तो राजस्थान में आर का नोटिफिकेशन निकलने वाला है आर के देने हैं अभी कि अभी उस हालात में नहीं है हम आरएएस आर एस का पेपर दे पाए इस बार पूरा आ रहे हैं इसको थोड़ा सा टारगेट कर रहा है क्लास ट्वेंटी फोर बढ़िया तरीके से पेपर देने की कोशिश की जाएगी तो जरा बताइए द सेल वॉल ऑफ द किंगडम प्लांट ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप जगत जीवों की कोशिका भित्ति जो है वो किस चीज की बनी है देखो प्लांट्स की लिखी हुई है काइटिन नहीं लिखेंगे क्यों काइटिन फंगस की होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो है वो आपके बैक्टीरिया की जो वॉल होती है उसको बोला जाता है अगर मैं सिर्फ प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स आपका सेलुलोज से संबंधित है किससे सेलुलोज अच्छा देना है इस बार आरएएस क्या बात है आरएएस का नोटिफिकेशन आने वाला है तो आपका मेरे ख्याल अक्टूबर के महीने में आ जाएगा नोटिफिकेशन आरएएस का नहीं नहीं ऐसा नहीं है यूपी वाले बच्चे ही पैट के लिए एलिजिबल है ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन उसका आपने फॉर्म वगैरह नहीं भरा होगा ना फॉर्म भरेंगे तभी तो करेंगे ए सूरज टेंशन नहीं लो ए के लिए ही एक दो दिन में आपकी इस चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके ए की पूरी क्लासेस जो है ना वो इस चैनल पे ही होंगी और ए के लिए ना आपके जो इंजीनियर्स जो बैकग्राउंड है ना उसको थोड़ा सा जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और आपका ये कुछ इंजीनियर वाला जो पोर्शन है वो एक बार सेटअप हो जाए फिर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वाला पार्ट तो कर ही लेंगे यूपी पेट के लिए यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन कराऊंगी और साथ में यूपी की पूरी जानकारी है ना यूपी का पूरा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का आंसर सेल्यूलोज हो गया सेल्यूलोज करके आप याद रखो प्राइमरी सेल वॉल और सेल्यूलोज सेल्यूलोज अपर पोर्शन के लिए बोलते हैं और जब भी मैं सेल वॉल की यहाँ पे बात करती हूँ तो आपका ये आ, आ, किसको इसको पैक्टिन क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकन और सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिंस इन तीनों चीजों से इसको रखा जाता है पौधे के बीज किस विभाजन में सबसे सरल जीव है अब आप मुझे बताओ पौधे में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पाए जाते हैं देखिये मैं आपको पूरी डिविजन बता देती हूँ पहली डिविजन है, है ना दूसरी डिविजन जो है वो आपकी बोलती है क्रिप्टो ग्स क्या बोला जाता है क्रिप्टो Ah, क्रिप्टो है, क्रिप्टो राइट। right? तीसरी डिवीजन आपकी क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा में ही आपके क्या आते हैं फैनिरो आते हैं क्या आते हैं फैनिरो गैम्स तो अब आप याद रख लो यहाँ पे क्रिप्टो गैम्स पेनेरोगेम्स और थैलोफाइटा तो इनमें सबसे सरल जीव किसमें पाए जाते हैं थैलोफाइटा और अब आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि भाई ना बॉडी है ना शरीर ढंग से बना हुआ है ना रूट्स है ना स्टेम है ना लीव्स हैं एकदम सिंपल बॉडी थैलस बॉडी एल्गी आता है इसके अंदर पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में सुभेवित पिंड जो है ना वो नहीं होते विच ऑफ़ ऑफ़ दी फॉलोइंग प्लांट डज़ नॉट सेल वॉल डिफरेंशियटेड बॉडी यानी कि आपका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब है आप शरीर में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो चीजों को तो फिर से आपका थेलोफाइटा जो है वो आंसर करना है Lycans, जो है, वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं तो lycans, सबसे पहले आप जान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कभी भी एनवायरमेंट में सल्फर की मात्रा को बढ़ा दिया तो की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी घट जाएगी क्योंकि जैसे ही सल्फर आपका एयर में इंक्लूड होगा एयर में हवा में आएगा लाइके जो कि बने हैं दो चीजों के फंगस के और एलगी के इस संबंध को क्या बोला जाता है पारस्परिक संबंध के नाम से बोला जाता है या फिर इसको बायोलॉजिकल टर्म में सहजीवी हम कहते हैं या सिम्बायोटिक रिलेशन के नाम से जाना जाता है सहजीवी लिख लूँ मैं यहाँ पे सिम्बायोटिक या फिर सहजीवी रिलेशन बोलते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशन जो है ना लाइकेन्स को एयर इंडिकेटर भी होने में मदद करता है यानी कि ये हवा पॉल्यूशन के संक के तक होते हैं। कभी भी हवा में पोल्यूशन होगा तो को देख के पता लगाया जा सकता है कि लाइकेंस खत्म हो रहे हैं ना अगर एक एरिया में लाइकेंस तेजी से खत्म हो तो समझ जाइए वहां पे सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है और जिस मात्रा की वजह से लाइकेंस पूर्णतः रूप से क्या हो गया

सिर्फ यही पेड़ों के लिए अच्छे होते हैं अगर आप पेड़ों को इन अ वे सल्फर प्रोवाइड कर रहे हो या पेड़ों में जो है वो खाद डाल रहे हो और उस खाद में यूरिया की मात्रा अच्छी खासी है तो वो आपके पेड़ों को भी नुकसान देती है जमीन को भी नुकसान देती है इसीलिए आप देखते हो ना आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना उसकी बात होने लग गई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो क्यों बोला जा रहा है ताकि आपके जो जमीन है ना उसमें सल्फर का कंटामिनेशन ना हो सल्फर एक एसिडिक चीज है नॉन मेटल है ना सल्फर एसिडिक है और वो हमेशा एनवायरमेंट को डिग्रेड ही करती है यानी कि नेगेटिव इफेक्ट ही देती है निम्न में से कौन हरे शैवाल का उदाहरण है तो आप क्लोमाइडोमनस याद रख लो मैंने आपको कल ही बताया मनस ग्रीन एल्गा के नाम से जाना जाता है बस आप इतना याद रख लो कि ये दोनों कैटेगरीज में आता है अगर ग्रीन एल्गा पूछे तो भी क्लोमाइडोमनस आंसर दे सकते हो आप यूनिसेलुलर एलगी पूछे तो भी आंसर जो है ना क्लोमाइडोमनस दे सकते हो या आप ये आंसर भी दे सकते हो कि भाई एक एल्गी ऐसी बता दो जो कि आपके प्रोटेस्टा में आती है एक ऐसी एलगी जो आपकी प्रोटेस्टा कैटेगरी में आती है तो भी आप क्या बोलोगे उसको क्लेमाइडोमोनास ठीक है इस तरीके का दिखाई देता है अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेल माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर मैंने कल की क्लास में दिखाया था अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देखते हैं तो टेन माइक्रोमीटर्स ठीक है पूरा साइज कितना है इसका टेन माइक्रोमीटर्स और इस डायग्राम में बहुत हल्के से आपको यहाँ पे देखो प्लेजिला नजर आ रहे हैं तो इसके पास मूवमेंट के लिए प्लेजिला भी होते हैं द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट ऑफ प्लांट पांच पादप जगत के नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक नॉन ग्रीन यानी कि जो देखो जो हरे नहीं होते हैं तो हरे नहीं है तो आप किसको बोलोगे फंगस को बोल सकते हैं क्या फंगस देखो नॉन क्लोरोफिलस है इसीलिए तो हमने उसको कैटेगरी में रखा ही नहीं है तो वो थैलोफाइटा के अंदर लेकिन थैलोफाइटा के अंदर होके भी फंगस जो है वो आपका नॉन ग्रीन है है ना हरा नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो हमने उसको प्लांट बोला ही नहीं हमने बोला भाई तुम दिख भले ही एक बार को हरे दिख भी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है पर हम तुमको प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे अब ये देखो आपके सामने इस समय जितने भी डायग्राम है वो सारे के सारे के के हैं पर दिख तो हरे रहे ना पर इसका मतलब थोड़ी है कि आप उन्हें ना प्लांट्स के अंदर रख लोगे सारे एलगी हैं ये देखो ये मशरूम हो गया ये भी एलगी है छोटी छोटी सी ये भी आपका पानी के अंदर जैसे जम जाता है वो एल्गी है बट दे आर नॉट प्लांट ठीक है आर नॉट प्लांट क्योंकि ये धोखा है इनमें क्लोरोफिल होता नहीं है लेकिन फिर भी ये हरे जो है वो दिखाई देते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोफिक थैलोफाइटा किसको बोलते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइटा अब थैलोफाइटा को ध्यान से समझो थैलोफाइटा में आपके पास दो ब्रांचेस आ गई है ना थैलोफाइटा में दो ब्रांचेस आ गई एक थैलोफाइटा मेन है उसमें दो ब्रांचेस आ गई एक आ गया एलगी और एक आ गया आपका फुंगाई कई लोग इसको फुंगाई बोल रहे होते हैं पता है कई इसको ना लोग इसको फुंगाई नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं फुंगाई फुंगई क्लास में ना बोल रहे होते हैं फुंगई फुंगई भाई इसको कभी फुंगई मत लिखना है ना इसको फंगाई बोलते हैं कई लोग फंजाई भी बोलते हैं भाई इसको या तो कवक ही बोल लो है ना अगर कवक ही बोल सकते हैं नहीं तो फुंजाई और फुंगी फ़ुंगी बोलने की जरूरत नहीं है बेचारी फंगस अच्छा खासा नाम है उसका नाम ही बदनाम कर है फंगस जो होती है ये नॉन क्लोरोफिलस है लेकिन और नॉन क्लोरोफिलस और सेप्रोफाइटिक भी है देखो मैं एलगी और फंगस दोनों के कैरेक्टर्स लिखती हूँ फंगस आपकी क्या बोली जाती है नॉन क्लोरोफिलस क्लोरोफिल नहीं होता है साथ में आप इसको लिखोगे इसमें सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको आप बोलते हो मृतोपोषी मरे हुए पेड़ पौधों से या मरी हुई चीजों से खाना लेता है अब एलगी को मुझे इन्हीं दोनों पार्ट्स में डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगी भाई ये क्लोरोफिल है इसके अंदर और दूसरी चीज एलगी जो है वो क्या होती है आपकी ऑटोट्रॉफ होती है क्या होती है ऑटोट्रॉफ बस इतना आप लर्न करना ठीक है ऑटोट्रॉफ क्लोरोफिल नॉन क्लोरोफिल से, सेप्रोफाइट तो अगर क्लोरोफिल और ऑटोट्रॉफिक लिखा हुआ है तो मैं आराम से यहाँ पे शैवाल लिख सकती हूँ ठीक है क्लोरो फंगई फंगई डू नॉट रिलीज डैश टू ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल टू दियर होस्ट कवक कार्बनिक पदार्थ या उनके परपोषी का विघटन करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल जो है वो करते हैं फंगई बोल दो नहीं तो कवक बोल दो क्या ही दिक्कत है कवक अच्छा नाम है बेचारे का एक तो वो ये कुछ तो ऑर्गेनिजम्स या नाम और कुछ जानवर यही सोचते होंगे इंसानों में ना इंसानों ने नाम की ऐसी तैसी कर रखी है हमारे जैसे एक बड़ी सबसे ज्यादा मुझे फनी वही लगता है जैसे अरिस्टोटल है उसका ग्रीक में नाम अरिस्टोटल था है ना ये ग्रीक साइंटिस्ट है उनका नाम था अरिस्टोटल भाई दुनिया का ऐसा साइंटिस्ट जो शायद आज के उस के बाद ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ आज तक की डेट में जिसको सब आता हो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जोग्राफी फिलोसफी सोशियोलॉजी सब कुछ आता था इनको मैथ्स भी आती थी आपका जो हाइपोथिस का हाइपो आ, ये क्या स की जो थ्योरी है उसमें भी ये वाला जो आ, पार्ट था आप सबसे बड़ी साइड को बोलते हो ना एच वो भी अरिस्टोटल नहीं बताई थी अब हमने अरिस्टोटल का नाम बदल के क्या कर दिया ले भाई हमने उसका नाम ही अरस्तु कर दिया है ना अरिस्टोटल का नाम हमने अरेस्तो कर दिया ऐसे करके तो हम नाम जो है ना वो इधर उधर कर देते हैं चलो कोई अपनी सुविधा के हिसाब से इंसान काम करता है फंगस जो है ना दे रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक दी ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ दियर होस्ट जैसे कि मान लीजिए कि फंगस जो है वो डेड एंड डिके मटीरियल पे है जैसे मान लीजिए सड़ी गली पत्तियां पड़ी हुई है ना सड़ी हुई पतियां जो है ना वो पड़ी हुई हैं अब इन पतियों को गलाना है तो उसके लिए फंगस अपने बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है ताकि वो टूट जाए फिर उनसे जो रस है ना वो लिया जाए ये वही वाला है जैसे हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर लाइजोजोम परफॉर्म कर रहा होता है ना लाइजोजोम का भी यही काम है जो हमारा फंगस करती है टेरिडोफाइटा की विशेषता क्या है अच्छा ये बताओ आप अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी कैटेगरी में फंगस हुआ पहला जिसको हम थैलोफाइटा ही मानते हैं प्लांट नहीं मानते हैं पहली कैटेगरी आपने एलगी बोल दी दूसरी कैटेगरी आपने ब्रायोफाइटा बोल दी तीसरी कैटेगरी जो है वो टेरिडोफाइटा बोल दी चौथी आपने जिम्नोस्पर्म बोल दिया पांचवा बोल दिया आपने एंजियोस्पर्म अब आपके पास ये सीक्वेंस है आप मुझे बता दो ये थर्ड नंबर पे आने वाला जो टेरिडोफाइटा है इसकी मुझे एक विशेषता बता दो मेन एक विशेषता बता दो अरस्ती अरे सीतियों कर देते हैं अच्छा वही ना हम अपने हिसाब से अपनी उल्टा सीधा एक समान कवक वेरी गुड दिमाग तो बहुत ही चलता है चलो द करेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दी टेरिडोफाइटा देखो पहले बताओ टेरिडोफाइटा में वस्कुलर बंडल होता है सम्मानी उत्तक या सम्मानी प्रणाली होती है तो जाइलम और फ्लोयम करके याद रखो एबसेंस ऑफ फ्लावर फूलों की अनुपस्थिति होती है तो हाँ जी फूल तो नहीं होते हैं एबसेंस ऑफ फ्रूट फ्रूट भी नहीं होता है तो ऑल ऑफ दी जब अब लिख दो यहाँ पे अगर यही चीज मुझे ब्रायोफाइटा के लिए पूछी होती तो मैं ब्रायोफाइटा के लिए सबसे पहले ये लिखती कि भाई इनको हम क्या बोलते हैं एम्फीबियंस एक दूसरी चीज़ यहाँ पे प्लास फ्रूट नहीं है ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल भी नहीं है तो आप नॉन वेल्ड या तो है तो थोड़ा बहुत ही है जिसको आप प्रेजेंस तो नहीं लिखोगे तो ब्रायो और टेरिडो का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि ब्रायो जो है वो थोड़े से आपके और प्रिमिटिव होते हैं उनमें वस्कुलर बंडल भी नहीं होता जबकि टेरडो फाइटा में वस्कुलर बंडल जो है वो क्या होते हैं मौजूद विच ऑफ दी फॉलोइंग द्रुप इज कॉल्ड एम्फीवियन ऑफ दी प्लांट अभी मैंने पीछे बताया आप ब्रायोफाइटा को एम्फीवियन बोलोगे उभयचर बोलोगे क्यों क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए प्रजनन के लिए जो स्पोर रिलीज करने होते हैं स्पोर्स वो ये कहाँ रिलीज करते हैं पानी के अंदर कहा करते हैं पानी के अंदर ठीक है विच प्लांट किंगडम कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड इन द वॉटर कौन सा पादप जगत भूमि और जल दोनों में जीवित रह सकता है बताइए तो पौधे का नाम बताइए जिसके अंदर स्पोर्स और एम्ब्रियो तो होते हैं एम्ब्रियो मतलब बूट भ्रूण बीजाणु और भ्रूण तो होते हैं लेकिन उनमें ना वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं होते और बीज भी नहीं होता इसका बताइए पंजाब की सुखबीर में आपको अलग से कुछ कुछ पार्ट्स करा दूंगी लेकिन टारगेट करके ऐसे स्टेट के लिए तो देखो कैसे ही कराएंगे ना दिक्कत होगी अब मैं आपकी स्टेट्स करा रही हूँ ना शाम वाली क्लास में मैं आपको बहुत जल्दी मैपिंग सीरीज करा रही हूँ और उसके बाद हम स्टेट्स करने लग जाएंगे तो हर एक स्टेट के बारे में हर एक दिन पढ़ लेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा पंजाब के मैं आपको अलग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी तो वो हेल्प करता है एम्ब्रियो होता है लेकिन मैंने आपसे पूछा वस्कुलर बंडल उसमें होगा क्या मौजूद नहीं होगा वस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होगा और आपको ऐसे सीड्स जो है ना वो भी मौजूद नहीं होंगे प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप डंडर बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है किस किस में प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय दी स्पोर्स अगर कोई भी पौधे आपके सिर्फ और सिर्फ स्पोर की मदद से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनमें किस में डाला जाता है नोएर स्टेट सीरीज फिर से करा दे लेकिन इसका नाम आप सजेस्ट करो नोएर स्टेट्स तो मैंने आपको पहले भी नाम दिया था ना नो ईयर स्टेट सीरीज हमने पहले भी की थी और नाम भी हमने यही दिया था इसका नो नो ईयर स्टेट सीरीज लेकिन उसमें कुछ-कुछ स्टेट्स -कुछ रह गई थी ना आपकी मैक्सिमम तो हो ही गई थी पता लग रहा है जिस दिन मैं लास्ट कोई आ, कोई स्टेट ही करा रही थी महाराष्ट्र या फिर एमपी शायद करा रही थी ना शायद तो पता लगा तो टाटा बाय-बाय करना है वहां से तो फिर उसके बाद वो स्टेट्स भी अधूरी रह गई तो अब आपकी स्टेट्स फिर से शुरू करते हैं और वापस से स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट पहले भी मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट से ही कराया था तो एक बार उत्तरी उत्तरी आपका जो भारत है ना उसको कवर करेंगे है ना यही बेस्ट नाम है नहीं कोई और नाम बता दो नोया स्टेट सीरीज में कराने वाली हूँ अपने राज्यों को जो सीरीज है ना वो करने वाले हैं तो उसका दूसरा नाम ना आप मुझे बता दो भारत के सभी राज्य तो ये तो फिर आपका टैगलाइन वैसे ही हो गया एग्जैक्टली exactly. ये वाली बात जो है ना वो सही है ना कि हम हरियाणा करा रहे थे अच्छा हरियाणा हो रहा था क्या हरियाणा पे अटक गई हमारी गाड़ी चलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी वापस से कर लेंगे प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय दी स्पोर्स ब्रायोफाइटा बोलोगे सिर्फ आप क्यों फिर अगर मैं सिर्फ ब्रायोफाइटा बोलूंगी तो टेरेडोफाइटा भी तो आपके स्पोर्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं ना तो मैं सिर्फ टेरिडो ब्रायोफाइटा बोलूंगी तो काम नहीं चलेगा हम बोलेंगे और और तो फर्म जो होते हैं उनकी बात की जा रही है तो देखो सीड जो है ना वो आपके पेड़ों के पीछे होती है जिनको स्पोरजीम बोलते हैं ऐसे ऐसे ये बीज यहाँ से निकले ऐसे करके आपके मेल और फीमेल पार्ट के और जाके फिर से एक न्यू स्पोरोफाइट जो है वो आपका बताया जाता है विच ऑफ दी फॉलोइंग फर्स्ट एवॉर्ड प्लांट विद वस्कुलर टिश्यूज निम्नलिखित में से कौन संवहनी उत्तकों वाले पहले विकसित पौधे हैं बताइए देश दर्शन अच्छा सब क्लास में ही घूमना है आपको इनक्रेडिबल इंडिया हाँ इनक्रेडिबल इंडिया नाम अच्छा है वार्म अप सीजन अप क्लासेस दस अक्टूबर तक कर लो क्योंकि आपके मैं पाँच अक्टूबर से लेके कुछ तीन चार क्लासेस जो है ना वो आपकी होंगी नहीं उसकी जगह मैं आपका थियोरिटिकल पार्ट जो है ना वो छोड़ के जाऊंगी है ना फिर आके पूरा कर लेंगे

एनजीओ स्पर्म्स यहाँ पे तो टेरिडोफाइटा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है टेरिडोफाइटा फॉलो क्रिप्टोगैम दैट इज रिप्रोड्यूस फोर्स ये तो ठीक है द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट ग्रो इन ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेज लाइक माउंटेन्स बंडल अब इस क्वेश्चन के लिए आप याद रख लो कि टेरिडोफाइटा भले ही आपके जो है ना वो आपके एडवांस प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं एडवांस प्लांट जाने जाते हैं लेकिन फिर भी ये कभी भी ड्राई जगहों पे नहीं उगते हैं ठीक है आपका ड्राई जगहों पे सूखी जगहों पे ना तो टेरिडोफाइटा हो ना ब्रायोफाइटा होगेगा ये हमेशा ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पे कोई भी पानी का सोर्स हो तो ड्राई प्लेसेस या माउंटेन्स नहीं लिखेंगे ये हमेशा आपके लेक्स और पॉन्ड्स के पास में उगते हैं तो आपके जितने भी ब्रायोफाइटा है वो तो पानी के बिल्कुल पानी आधे पानी आधे जमीन पे होते हैं और जो टेरिडो फाइटा है वो ऐसी जगह उगेंगे जहाँ पे पानी का कोई ना कोई सोर्स तो होना ही चाहिए ठीक है ताकि वो प्रजनन कर सके द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमिट इन ब्रायो फाइटा एंड टेरिडो फाइटा अकर्स थ्रू तो सिंपल आप याद रख लो जब आप बोल ही रहे हो कि ब्रायो जो है वो एम्फीबियन है टेरिडो जो है वो एम्फीबियन है तो वॉटर जो है याद रखिये फ्लारिंग प्लांट्स आर ग्रुप डंडर पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण किया जाता है फ्लारिंग प्लांट्स को आप किस में डालते हो देखो या तो आप फ्लारिंग प्लांट बोल दो या बोल दो एक ही बात है आपसे पूछेंगे ना किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बोलना फ्लारिंग प्लांट और फ्लारिंग प्लांट का मतलब ही एक ही होता है दैट इज योर एनजीओ स्म एनजियो बोले तो फ्लारिंग प्लांट फ्लारिंग प्लांट बोले तो एनजियोसफॉर्म इतना याद रखें प्लांट्स विद वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज Which form seeds, are called, अच्छी तरह से विवेदिक प्रजनन उत्तक वाले पौधों जो बीज बनाते हैं या कहलाते हैं, उनको हम मतलब क्या बोलते हैं प्लांट विद्रेंशियॉर्म सीड्स क्या बोलोगे आप उनको ऐसे पौधे जिनका शरीर पूरी तरीके से आपका वेल डिफ्रेंशिएटेड है एकदम डिविजन हो रखा है बॉडी में साथ में रिपोडक्टिव टिश्यूज भी बनाते हैं जो सीड्स बनाते हैं तो बीज आपके एक ही कैटेगरी में

ये क्वेश्चन आपके किससे रिलेट कर रहा है कि अगर कुछ और अब देखो ये कंफ्यूज करने के लिए काइटिनिग्निन सुबेरिन आप याद रखो लिग्निन और सुबेरिन की डिपोजिशन हमेशा बड़े हायर पौधों में होती है जैसे कि एंजियोस्पम्स में होगी ठीक है आपकी चिटिन हमेशा कहाँ होती है फंगस के अंदर होती है फंजाई के अंदर होती है, और जो है है वो कहां पे होता हमेशा प्लांट्स में और प्लांट्स जो लोअर प्लांट्स भी होते हैं तो स्पायरो एलगी है तो एलगी में क्या होगा सेल्यूलोज होगा काइटिन या फिर सुबेरिन तो हो ही नहीं सकता स्पाइरोगैरा को स्पाइरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना आपकी इस तरीके की जो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसे स्पाइरल शेप में होता है तो आप देखो पूरा आपका जो क्लोरोफिल है ना वो आपका ऐसे स्पाइरल शेप में है ना इसीलिए इसको स्पाइरोगैरा बोलते हैं द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट्स इंक्लूड पादप जगत के जीवों के उदाहरण में क्या शामिल है द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम प्लांट किंगडम प्लांट में कौन सी चीज आती है फंग्स एंड मॉसेस एल्गी एंड फंगस वॉल एंड फंगस एंड फर्स एंड वॉल्वॉक्स बताओ कौन सा एग्जाम्पल आएगा पता नहीं कौन सा आएगा बताइए आप ये आपका ये जो आपका है ना ये आपका किंगडम मैनुअल ए अच्छा, एल के लिए काफी सारे बच्चे एक्टिव हैं देखो आप मुझे अगर पी की ही क्लासेस के लिए आप डिमांड कर रहे हो तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको ए की क्लासेस चाहिए जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उसके बेसिस पे जो है ना वो मैं क्लासेस जो है वो आपकी कंडक्ट करा पाऊंगी अब इसमें बताओ एल फंगस कैसे हो गए भाई बी कैसे होगा उज्ज्वल ए एलगी फंगस कैसे लिख रहे हो मैंने बोला किंगडम प्लांट में कौन सी चीजें आप इंक्लूड करते हो देखो जब आप किंगडम प्लांट्स पढ़ते हो तो उसमें कभी भी आप फंगस को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि फंगस फंगस का अलग से किंगडम 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 है kingdom या kingdom fungi, है या ना आप उसमें किंगडम प्लांट्स में कभी फंगस को इन्वॉल्व ही नहीं करते तो यहाँ पे बी ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत है अब देखो वॉल्व इसमें भी आपको फंगस दिया हुआ है और वॉल्वर्क जो है ना ये भी आपका एक तरीके से फंगस के कैटेगरीज में ही आ जाता है इसीलिए आप फंगस एंड मॉसेस कमेंट बॉक्स में लिखना क्योंकि जितना ज्यादा कमेंट बॉक्स में लिखा होगा ना मैं उसी के बेसिस पे फिर आपको यहाँ पे बता भी पाऊंगी प्लांट किंगडम आपका क्रिप्टोगैम्स हो गया क्रिप्टोगैम्स में आपके देखो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा ब्रायो और टेर होते हैं थैलोफाइटा का जो फंगस कैटेगरी है वो हमने यहाँ से हटा दिया है और हम सिर्फ एल्गी की बात कर रहे हैं तो कभी भी फंगस जो है वो आपके प्लांट किंगडम में इंक्लूड या शामिल की ही नहीं जाती है ठीक है की नहीं जाती तो यहाँ से पढ़ लो विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट इज इंक्लूडेड इन दी क्लास ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल है देखो अगर आप एएलपी के लिए इना केस तैयारी कर भी रहे हो तो उसमें जो नॉन टेक वाले पार्ट में जीके और साइंस आती है वो तो मैं आपको करा ही रही हूँ है ना नॉन टेक पार्ट में जो आपकी जीके वाला पोर्शन आएगा और साइंस वाला आएगा तो साइंस आप से करो अभी मैं आपको टॉपिक वाइज करा रही हूँ ना तो आगे आगे चीजें बहुत अच्छे से हो भी जाएंगी और जो साइंस का बैच चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर लो मैं पूरा ही आपको उसमें साइंस की थ्योरी करा रही हूँ और शाम को जीके वाला बैच कर लो डेढ़ घंटे की क्लास हो रही है पूरा जीके जो है ना वो कवर हो जाएगा भाई ये आप कॉमन करो ना ऐसा कोई टेंशन की बात थोड़ी है मैं आपकी सारी चीजें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे विच ऑफ दी प्लांट्स विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट इज इंक्लूडेड इन क्लास ब्रायोफाइटा तो आप बताओ कोई लग रहा है आपको ऐसा प्लांट जो ब्रायोफाइटा में है मार्शिलिया वॉलवॉक्स क्लैडोपोरा और मार्केशिया भाई आपको करा रही हो ना मैं सारा आपके लिए ऐसे सीजीएल और ए के टेक नॉन टेक वाले पार्ट को अलग मत करो ये सेम है आपके हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमिक साइंस का सिलेबस दोनों जगह सेम ही रहता है तो यहाँ पे जो दो क्लासेस चल रही हैं वो आपका पूरा पोर्शन कवर कर देंगे आप उन्हीं को कंप्लीट कर लो ब्रायोफाइटा में आपके क्या लिखना है मार्केशिया ठीक है ब्रायोफाइटा मार्केशिया है अब बाकी के पौधों की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइटा आपके कलेक्टिवली बोला जाता है ना Rickshia, sphagnum, ये सारे आते हैं। Wal हो गया। तो वो आपके थोड़े से टेरिडोफाइटा में चले जाते हैं ब्रायोफाइटा के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रिक्शिया मार्केशिया स्पेगनम और पॉलीट्राइकम ये आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है डैश अगर इन प्लेनेरिया स्पायरोगैरा और प्लेनेरिया देखो स्पायरोगैरा है क्या Algae है है ना और आपको प्लेनेरिया बताओ क्या है प्लेनेरिया तो प्लांट्स में हम पढ़ते ही नहीं है प्लेनेरिया जो है ये क्या बोला जाता है प्लेनेरिया एनिमल है क्या है एनिमल और कौन सी कैटेगरी में आता है ये ये आता है चपटे कृमियों की कैटेगरी में यानी कि फ्लैट प्लेटवॉम्स जो होते हैं और आपको पता है प्लेनेरिया कैसे फर्टिलाइज करता है वो फर्टिलाइज करता है आपके फ्रेगमेंटेशन से अगर आप प्लेनेरिया को हजार पार्ट्स में काट दोगे ना तो हजार नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बन के आ जाएंगे उसी बेसिस पे भी डिवाइड करता है की लंबी सी ट्यूब है अगर आप उसको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे हर एक पार्ट जो है वो फिर से एक नया प्लांट बना लेगा तो यहाँ पे आप फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन ही आंसर करिए ठीक है फ्रेगमेंटेशन या विखंडन करके याद रखिए फ्रेगमेंटेशन और विखंडन देखो आपका ये स्पायरूगार हैं आप इसको यहाँ से बहुत सारे पार्ट्स में काट दो हर एक लाइन से काट दो तो नया एक प्लांट जो है वो बन तैयार ऐसी प्लानेरिया है प्लानेरिया को ये तो आपने तीन पार्ट्स में काटा है अगर आप इसको ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे कम से कम मल्टीपल 1000 पार्ट्स में भी काट दोगे ना छोटा-छोटा प्लेनेरिया -छोटा. के बॉडी का हर एक पार्ट केएबल होता है एक नया प्लांट बन नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए आप देख रहे हो हम तो कहते हैं ना कि भाई हम तो थोड़ा सा टूट हम तो थोड़ा सा हमें चोट लगी हम टूट के बिखर जाते हैं और फिर बिखरे ही रह जाते हैं कभी जुड़ते नहीं है है ना प्लेनेरिया की कंडीशन देखो मतलब है तो ये बायोलॉजिकल लेकिन मैं मोटिवेशनल से इसको जोड़ ही सकती हूँ इस, के, के तो वो टिश्यूज आपके फिर से ऐसा करके ना नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे देखो तीन पार्ट्स में अलग अलग हिस्से को अलग किया है ना और फिर से जो है वो नया पार्ट बन गया ऐसा आपके रावण के लिए कहा जाता था ना रावण जो है वो क्या करता था रावण के राम जी रावण के जितने भी सर काटते थे वो सर फिर से नया एक आ जाता था ये वाला वही वाला कॉन्सेप्ट है वहीं से डिराइव करा है ये प्लानेरिया वगैरह ना आपके पूरे कहते हैं ना हारेंगे नहीं दोस्त हजार बार टूटेंगे और फिर से उ, 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 फिर से उठेंगे नई उम्मीदों के साथ नए जज्बातों के साथ हम फिर से उठेंगे लेकिन हारेंगे नहीं ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना तो याद रखिए यहाँ पे भाई सीजीएल के लिए पेड़ वाला सीजीएल का चल रहा है ना समीर आपकी शाम को ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो मेरी साइंस की स्पेशल क्लासेस भी भी चल रही हैं आप वो ज्वाइन कर सकते हो नहीं तो पूरा बैच ज्वाइन करोगे तो अच्छा रहेगा मार्शिलिया एजोला और हॉर्सटेल ये किसके एग्जाम्पल है और अगर मैं ढंग से पढ़ाई हूं आपको तो मैंने आपको बताया है कि हॉर्स टेल जो है वो किसका दूसरा नाम है तो आप जरा ये मुझे बता दो कि हॉर्स टेल जो है वो उसके प्लांट का नाम क्या है जैसे ये तो कॉमन नेम है जैसे पेनिसिलियम है पेनिसिलियम है एस्परजिलस है इसको क्या बोलते हैं पेंटर ब्रश के नाम से जाना जाता है भाई पेंटर्स ब्रश है ना पेंटर्स ब्रश के नाम से जानते हैं पेंट करने वाला ब्रश होता है ऐसी आप में से एक सिंगल बच्चा कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि हॉर्स टेल जो है वो किसका कॉमन नेम होता है जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसको मार नहीं सकते हो आप इसका फ्रेगमेंटेशन क्या लिखेंगे नहीं पता ना जबकि मैंने बताया है कि अगर मैं आपसे अगर मान लीजिए एग्जाम में कॉमन नाम हमें तो नहीं पता टेरिडोफाइटा ठीक है टेरिडोफाइटा करके एक तो मार्थिलिया अजोला और हॉस्टेल टेरिडोफाइटा के प्लांट है दूसरी चीज याद रखो यहाँ पे कि हॉर्स्टेल जो है ना वो आपकी इक्वी के लिए बोली जाती है किसके लिए इक्वी सेटम किसके लिए इक्वी सेटम तो टेरडो में एक प्लांट है जिसको इक्वी सेटम जो है वो बोला जाता है तो इक्वी सेटम जो है ना वो आपका क्या हो गया यहाँ पे हॉर्स्टेल इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिनोपसिडा नहीं एक करके लिख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है चलिए आपका लाइकोपोडियम एक ऐसे बोलते हैं तो एक को क्या बोलते हैं हॉर्स अच्छे से लर्न कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइकोपोडियम को क्लब मॉक्स के नाम से जाना जाता है लाइकोपोडियम क्लब मॉक्स और एजोला जो है ना वो वाटर फॉन के रूप में जाना जाता है एजोला को उसमें इस्तेमाल भी किया जाता है चावल की खेती के लिए ना एजोला को इस्तेमाल भी करते मदद करता है ये खेती करवाने के लिए तो याद रखिए प्लांट किंग, किंगडम के एग्जाम्पल देखो लर्न करने पड़ेंगे ना भूलेंगे तो काम कैसे चलेगा ना भूलना नहीं है ना चलिए कल की भी क्लास जो है ना वो प्लांट किंगडम के पार्ट टू की है तो एक बार पार्ट टू भी पूरा हो जाएगा तो हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा और शाम को शानदार सी आपकी जो है ना वो क्लास चल रही है जीके की इस क्लास को देखना नहीं भूलिए फटाफट पड़ से करंट अफेयर के थर्टी क्वेश्चन बहुत जल्दी जैसी इसमें आपका ये टेन अक्टूबर तक पूरा सेशन पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं अप टाइप का उसके बाद सब्जेक्टिव जीके करना शुरू करेंगे हम हिमालयाज मैपिंग और रिवर्स भारत की सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन साथ में थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको कराने वाली हूँ और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो पेपर दे रहे ना वो बच्चे ध्यान से सुनिए कि मैं आप लोगों के लिए कल परसों एक क्लास लेके आ रही हूँ उस क्लास को जो है ना वो जरूर से देखने की कोशिश करिएगा ठीक है चलिए अभी के लिए गए थैंक यू सो मच मैं आपको मिलती हूं सुबह सुबह आके चलो नहीं नहीं मैं आपकी कल करा दूंगी यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एक हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी की सभी जानकारी के साथ मतलब हम यूपी को एट अ ग्लांस भी देख लेंगे यूपी जो है वो आपकी आ, एक, मतलब एक सीजीएल अच्छा, के लिए आपका जो एस एस सी के लिए जो बैच चल रहा है अभी वो आपका ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टीयर वन और टीयर टू पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और देखो ये उन बच्चों के लिए जो जिनके हौसलों में ना बुलंदी है जिनके हौसलों में कहीं पे भी अपने ऊपर किसी भी तरीके की कोई शंका नहीं है जो टीयर वन क्वालिफाई करेगा वही तो टीयर टू करेगा ना तो यहाँ पे हम एक कैसा कोर्स लेके आए हैं आपका जो टीयर वन टीयर टू दोनों आपको कंप्लीट कराएगा तो आपके शुरुआत से लेके सिलेक्शन तक आपका ये पूरा कोर्स है ब्रह्मास्त्र बैच है क्लास ट्वेंटी पे जाइएगा आपको इस बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी इस पूरे बैच में आप क्या क्या करने वाले हो वो भी मिल जाएगा और साथ में क्लास ट्वेंटी जो है ना उससे रिलेटेड आपका ये क्लास ट्वेंटी और ऐप डाउनलोड करिए वहां पे ये क्लास आपको देखेगी आपकी सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे यानी कि इस तरीके से होती हैं पर देखेंगे आपको फोन पे और फोन के अलावा जो है वो आप पूरा स्क्रीन आपको देखेगा और साथ में पीडीएफ जो है वो अपडेट कराया जाएगा ऑनलाइन ट्रेवल ऑनलाइन ट्रेवल ऑल स्टेट ऐसे अच्छा वर्चुअल ऐसा कुछ देखते हैं चलिए मैं देखती हूँ कोई ना इनक्रेडिबल इंडिया आपका आ, इसको शुरू करते हैं ठीक है इसको शुरू करते हैं जैसे कि स्टैटिक जीके का आपका पार्ट देखो मैं वैसे भी शुरू करने वाली हूँ और मैपिंग शुरू करने ही वाले हैं पहले वर्ल्ड की मैपिंग करेंगे फिर इंडिया की मैपिंग पे आएंगे और इंडिया के मैप को पढ़ने के बाद जो है वो इंडिया की स्टेट्स पे आएंगे तो नोए और स्टेट जो है वो आपकी अलग से पूरी एक सीरीज हो जाएगी जो आपकी मैपिंग वाली सीरीज है वो अलग हो जाएगी तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे ठीक है हाँ जी एल के लिए मैं बात करती हूँ एल के लिए कैसे क्या होने वाला है एक बार ऑनलाइन ट्रेवल ऑल स्टेट अच्छा अच्छा ऑनलाइन ट्रेवल ऑल स्टेट वर्चुअल आभासी क्या बोलते हैं मन के द्वार से आप पूरे भारत के राज्यों का दर्शन कर लो है ना भारत राज्यों का दर्शन मन के द्वार से ऐसा करके चलिए कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं एक पूरा ब्लू मैप मैं बना लेती हूँ कि आपको कैसे आगे जो है ना वो जीके वाला पार्ट कैरी करना है उसके लिए मैं आपको बता भी दूंगी ठीक है अच्छा नहीं है कोई बात नहीं लेट्स डिसाइड लेट्स डिसाइड आप कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको कोई अच्छा लगे तो पूरे 28 आपके राज्य और आठ यूनियन टेरिटरीज जिनमें से कई यूनियन टेरिटरीज साथ में ही कवर हो जाएंगे कई स्टेट्स को पढ़ने के लिए दो दिन भी लग जाते हैं काफी कुछ होता है आपके स्टेट्स के अंदर और डिटेल पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा तो ऐसे मिला के आपके तीस चालीस दिन की वही क्लास जो है ना हो जाएंगी तब मैं अच्छा सा एक नाम रखूंगी ठीक है चलिए आपकी पीडीएफ एज यूजल टेलीग्राम और एप दोनों जगह अपडेट हो जाएगी आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि फटाफट डिटेल्स -पत जो है ना वो आपके इसी पी में दी जाती है शाम को कितने बजे मिलने वाले हैं अपन साढ़े बजे एग्जैक्टली साढ़े बजे